तरफ देखते हुए मुस्कुराएंगे। रामचंद्र जी गए वन में कौन मिले उनको? हनुमान जी। हनुमान जी वाली ऐसे गाल बुलाएंगे, मुक्का बनाएंगे, गालों के लिए कानों के लिए बहुत अच्छी है, चेहरे पर लालिमा और बालों पर कालिमा, इस हंसी को करने से आपके हनुमान जी की मुक्का बनाएंगे और हम काले के साथ रखेंगे। हनुमान जी ने भगवान राम की कराई सुग्रीव, सुग्रीव वाली हंसी, टॉन्सिल, थायराइड, स्नोरिंग, स्वर ग्रंथि, स्लीप एपनिया, उन सबके लिए बहुत अच्छी है। दोनों हाथ घुटनों पर कंधे उठाएंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से खिसियाते हुए रखेंगे। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में आए मेघनाथ, तो मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, नागपाश में बांध दिया तो उनको मुक्त कराने के लिए आए गरुड़ जी, नागपाश काटने के लिए, तो गरुड़ जी वाली ऐसी पक्षी की तरह उड़ते हुए कमर गर्दन हिला रही है। और जब युद्ध शुरू हो गया तो फिर रावण वाली हंसी आई, रावण आए उसमें तो बिट्टा हास्य गला फाड़ कर, उसमें क्या करना है आपको, रावण को तरह नहीं हंसना है। हम जो है हमारे अंदर सब कुछ है, देवता भी है और दैत्य भी है, रावण का क्या अहंकार का प्रतीक है, तो हमें अपने ईगो को अहंकार को विसर्जित करना है, बिट्टा हास्य गला फाड़ कर तीन बार और जो रक्त बहा उसका पान करने आई काली माता, काली माता वाली ऐसी जी बाहर निकालेंगे, हंसते हुए झुकेंगे, वापस आकर श्वास ले लेंगे, फिर हंसते हुए झुकेंगे एक बार, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, लंबी ऐसी और जब अयोध्या वापस पहुंचे तो सबने स्वागत किया भगवान राम का, ताली बजा, तो ताली बजाएंगे जो कहते ही एकदम लाल हो गया ना हंसते हुए। हमेशा ये मानते हैं कि सामने वाला ही गलत है और वो ही हमसे माफी मांगे,
तो मैं आज आपको एक प्रयोग कराने वाला हूँ, आप उस प्रयोग को करिए। आप में से कई लोग तो बैचलर होंगे, उसको बोलते हैं माफी हास्य। आपको क्रॉस में कान पकड़ना है और माफी मांगनी है। कैसे? आपने मनी मन माफी मांगनी है, आपने किसी को तकलीफ दी है या नहीं दी है, लेकिन आपकी वजह से वो परेशान है, उसको स्ट्रेस हो गया है, तो आपको उससे मनी मन माफी मांग लेनी है। और आपको किसी से तकलीफ है, भले उसने आपको दिया नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरी परेशानी का कारण है, चाहे वो मेरा बॉस है, चाहे वो सबऑर्डिनेट है, चाहे कोलीगा, चाहे घर का कोई मेंबर है, उसको मनी मन माफ कर दीजिए। क्रॉस में कान पकड़िए ऐसे और किसी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए हंसते हुए जैसे हमारा जो होता है ना हाथ, जैसे हम देखते हैं ना, इसमें एक मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मदे तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आपको क्या करना है, सुबह उठिए, चेहरे देखिए और अपने आप को देखकर मुस्कुराइए, ऐसे हंसिए, मिरर हाथ, दर्पण हाथ, अपना चेहरा देखिए, खुद के साथ होता है, खुद के साथ मतलब आपको कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मतलब आंखें बंद, आंख बंद करके करना ईमानदारी। मैं छोटे हाथ से लेकर के बड़े अंग तक प्रत्येक स्वर से हंसेंगे, छोटे हाथ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधा कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, उसके बाद हम लाफ्टर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आपको आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं बोलूंगी, चलिए छोटे हाथ से शुरू करेंगे। श्वास एकदम धीमी है और धीमी है, नासिका करके बाहर ठंडी श्वास आते हुए अनुभव करें, गर्म श्वास जाते हुए अनुभव करें, श्वास धीमा हो गया और एकदम धीमा हो गया। एकदम सिर्फ श्वास, भूल जाइए सब कुछ, ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस, ये ध्यान की स्थिति, हंसते खेलते ध्यान, हसुओ के ध्यान की स्थिति, तनाव को दूर करने के लिए ध्यान बहुत अच्छी चीज है, सबसे बढ़िया रेमेडी ध्यान, अष्टांग योग का ध्यान, सातवीं सिद्धि ध्यान। फिर गहरा श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, ओम।
आंखें खोलेंगे तो युग अंदर उठा लीजिए और नमस्ते करते हुए हंसेंगे सबको।